गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। पिक्या टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम गेट 2021 के बारे में नेटवर्क थ्योरी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज़ में अपने डिफरेंट डिफरेंट वीडियो के थ्रू फुल सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से अपना बेसिक टॉपिक अभी चल रहा है। आपने अगर अभी तक मेरे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे क्या होगा कि आप मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। इसके अलावा आप वीडियो को, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो आपको लाइक कर देना है ज़रूर, और नहीं अच्छा लगे तो इसको डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो रियल में जेई एई या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे इन सब लोगों को बेनिफिट मिले और मुझे भी अच्छा लगे कि मेरा कोर्स अच्छे से लोग पढ़ रहे हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ कोई भी किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आपको उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दीजिएगा, वहाँ से अपने सॉल्व कर लेंगे उसको। अगर फिर भी अगर बहुत सारे लोगों का कॉमन डाउट आता है तो अपने उससे रिलेटेड वीडियो में भी कवर कर लेंगे, उससे क्या होगा कि सब लोगों को एक साथ क्लियर हो जाएगा। तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अदरवाइज़ मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा आगे ज़्यादा टाइम तक। जैसे अपनी कमिटमेंट नेटवर्क थ्योरी तक है, तो नेटवर्क थ्योरी तो अपने कवर करेंगे, लेकिन उसके बाद में अपने फिर आगे जिसके अकॉर्डिंग व्यू आएंगे उसी के अकॉर्डिंग या फिर कोई और रास्ता निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन आज का लेक्चर तो। बट बिफोर वी बिगन, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं अन अकेडमी पर भी पढ़ाता हूँ। जो प्रीवियस वीडियो में अपने एक क्वेश्चन आपको दिया था असाइनमेंट में, वो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले, तो उसके बाद में देखेंगे कि आज का क्या डिस्कशन रहेगा। मैं आज वैसे नोडल एनालिसिस डिस्कस करेंगे इसके बाद में, वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप उसको भी केयर करना ध्यान से। सबसे पहले अपने इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फाइंड द करंट ऑफ आई नोड आई वन एंड आई टू एट स्टडी स्टेट कंडीशन। स्टडी स्टेट कंडीशन पे आपको आई नोड आई वन और आई टू की वैल्यू पता करनी है। तो स्टडी स्टेट कंडीशन से आप क्या समझते हैं? स्टडी स्टेट कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जब फाइनली सिस्टम जो होता है स्टेबल कंडीशन में या फिर किसी भी कंडीशन में जाना चाहता है, वहां पे चला जाता है, उसके बाद में वो सिस्टम इधर उधर नहीं जाएगा। इसका मतलब वो जो कंडीशन होती है वो टी इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम पे आती है। तो टी इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम पे जो कंडीशन होती है वो अपनी स्टडी स्टेट कंडीशन होती है। अब टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे जो इंडक्टर का बिहेवियर होता है वो मैंने आपको पहले ही बताया था, आप उसको एक बार फिर से देखिए कि इंडक्टर का जो बिहेवियर होता है वो टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। और इसी तरीके से जो कैपेसिटर का जो बिहेवियर होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो इसी को अपने यूज करेंगे यहाँ पे, इसी को यूज करते हुए अपने इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो आपको सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे डीसी सोर्स है या एसी सोर्स है। अगर डीसी सोर्स है तो मैंने जो तरीका बताया वो लग जाएगा, अगर एसी सोर्स है तो आपको फिर अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे डीसी सोर्स है तो अपने नॉर्मली इसको क्वेश्चन को अपने लिख लेते हैं। तो टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे जो इसका बिहेवियर होगा इसका स्टडी स्टेट पे, वो पहले अपने बना लेते हैं प्लस माइनस 27 वोल्ट। यहाँ पे इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ने वाला 6 ओम 3 ओम। और यहाँ पे ये क्या होने वाला है, इंडक्टेंस शॉर्ट सर्किट होने वाला है, इतना तो अब आपको पता लगने लग गया होगा। ये अपना सर्किट कंप्लीट हो गया। अब अपने इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले अपने कंडीशन को फॉलो करते हैं कि किस तरीके से आप इस टोटल करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। टोटल करंट की जो वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये आपको पैरेलल में दिख रहे हैं तो 6 पैरेलल विद 3 कर लूंगा। तो इसको जब सॉल्व करूंगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपको वैसे भी पता होगा कितना आता होता है, हमेशा 2 आता होता है, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करूंगा 2 और 2 जब 1 हो जाएगा तो ये जो फाइनलाइज सर्किट बन जाएगा वो इस तरीके से बनेगा 27। इन दोनों का 2 हो गया और इसका 1 हो गया तो 3, और यहाँ से IS की जो वैल्यू निकल के आएगी V डिवाइड बाई R 27 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा 9। तो 9 एम्पियर यहाँ से IS की वैल्यू निकल के आ रही है।
अब क्योंकि हमें आई नॉट की वैल्यू पता करनी है, तो यहाँ से 9 एम्पियर तो यहाँ लिख दूंगा मैं। उसके बाद में अब इस फिगर में अपने को देखना है कि 9 एम्पियर अगर यहाँ से जा रही है तो 9 एम्पियर इधर से आ रही होगी। अगर 9 एम्पियर इधर से आ रही है तो अपने को यहाँ पता करना है कि बीच में करंट कितने हो गई। बीच में करंट फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये दोनों क्या है, सेम पोटेंशियल पे हैं। अगर सेम पोटेंशियल पे है तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के अक्रॉस कितना रहेगा, सेम रहेगा। इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो या तो आप इसको करंट डिवाइडेशन रूल से कर लीजिए, इसको करंट डिवाइडेशन रूल से कर लेते हैं। जो टोटल करंट है यहाँ कितनी वैल्यू थी अपनी, I1 की वैल्यू। अगर मैं I1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो जो I1 की वैल्यू मेरे सामने निकल के आएगी, टोटल करंट जो कि 9 एम्पियर है मल्टीप्लाई बाई अपोजिट रेजिस्टेंस। अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है, अपोजिट रेजिस्टेंस 3 ओम डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 9 है, तो इसका मतलब अपने पास कितनी करंट निकल के आ रही है, 3 एम्पियर करंट निकल के आ रही है। तो इसकी वैल्यू जो है वो 3 एम्पियर होगी। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि रिमेनिंग करंट 6 एम्पियर होगी। इसको आप एक और तरीके से देख सकते हैं, आप अपना जनरल व्यू भी लगाइए। अगर 6 ओम का रेजिस्टेंस है और 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है और 3 ओम का रेजिस्टेंस है, इनका रेशियो जो हो गया 2:1 हो गया। जो करंट है वो रेजिस्टेंस के अपोजिट रेशियो में डिवाइड होती है हमेशा ही, तो 1:2 में डिवाइड होगी हमेशा ही। 1:2 में अगर डिवाइड होगी तो आप देखिए 9 को 1:2 में डिवाइड कर दीजिए। 9 को 1:2 में डिवाइड करेंगे तो आप खुद देख लीजिए कितना आएगा, 3 एम्पियर। तो इसकी वैल्यू 3 एम्पियर, इसकी वैल्यू 6 एम्पियर। या फिर आप 1:2 में डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप इजी वे में सोल्व करने के अपना जनरल व्यू लगाया कीजिए। जरूरी नहीं आप करंट डिवाइडेशन रूल लगाएंगे और फिर आप बातें करेंगे, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ फिर से देखता हूँ, यहाँ देखिए यहाँ पे इक्वल जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो मेरे को यहाँ स्पष्ट पता लग रहा है कि 4.5 एम्पीयर करंट इधर से आ रही होगी, 4.5 एम्पीयर करंट इधर से आ रही होगी, तभी तो इक्वल रेजिस्टेंस में मतलब इक्वल इक्वल जाएगी। 9 का इक्वल इक्वल कर दिया। अब यहाँ से 3 आई और यहाँ से 6 आ रही थी, इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, देखिए यहाँ से 3 इसका मतलब यहाँ आ रही थी, इसका मतलब यहाँ से 6 आ रही थी, 6 का 4.5 हो गया, 3 का 4.5 हो गया, तो इसका मतलब 1.5 एम्पियर इसके अंदर ऐड हुआ होगा। तो इसका मतलब यहाँ से स्पष्ट फाइंड आउट क्या क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आई नोट की वैल्यू है, आई नोट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है लेकिन करंट इस डायरेक्शन है, तो -1.5 एम्पियर। I1 की जो वैल्यू अगर मेरे को कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो वो है 3 एम्पियर, और I2 की जो वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ जाए वो है 6 एम्पियर, और IS की वैल्यू जो कैलकुलेट की है मैंने वो है 9 एम्पियर। तो सब तरह की करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली अपने इंडक्टर के केस में, ठीक है। इंडक्टर के केस में आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब कैपेसिटर के केस में देखते हैं क्या क्या इफेक्ट है, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। कैपेसिटर में आपको मैंने बताया था कि स्टडी स्टेट में कैपेसिटर जो बिहेव करेगा वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अगर मैं इसको ओपन सर्किट कर देता हूँ, ओपन सर्किट आप इसको कर दीजिए, 6 ओम ये हो गया अपना ओपन सर्किट, ठीक है, ये हो गया 3 ओम और ये हो गया 2 ओम और ये हो गया 2 ओम, ठीक है। अब ये अगर ओपन सर्किट हो जाता है तो इसका मतलब ये दोनों क्या आगे, सीरीज में आगे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो हो गया वो 5 ओम हो गया, और ये दोनों अगर सीरीज में आ गए तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया 8 ओम। अब आप इसको देखिए 5 ओम और 8 ओम जो है वो पैरेलल में आ गए, तो 8 जो है वो पैरेलल विद 5 ओम है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 12, इसको 2 से चला जाएगा, इसको 3 से चला जाएगा, 10 डिवाइड बाई 3, ठीक है। इसका मतलब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो 10 डिवाइड बाई 3 है। तो इसका मतलब अगर इस तरीके से इसका रिजल्टेंट सर्किट में बनाना चाहूँ तो 27 वोल्ट जो है यहाँ पे है, और इसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 10 डिवाइड बाई 3 ओम। अगर इसमें मेरे को करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 27 डिवाइड बाई कितना, 10 डिवाइड बाई 3, इस तरीके से बात करता हूँ। ये जो है अपने पास करंट की वैल्यू आ गई। अब करंट की वैल्यू तो आ गई लेकिन अपने को आई नोट की वैल्यू पता करनी है, तो आई नोट की वैल्यू, क्योंकि यहाँ आई नोट कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, तो फ्लो ही नहीं कर रहा, तो आई नोट की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0 एम्पियर। आई नोट की वैल्यू क्योंकि यहाँ कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा ना, ओपन सर्किट हो गया। अब I1 की वैल्यू जो मेरे को पता करनी है, I1 की जो वैल्यू पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखूंगा, देखिए यहाँ पे I1 है और यहाँ पे I2 है,
तो मैं करंट डिवाइडेशन रूल लगा लेता हूँ क्योंकि वैल्यू थोड़ी बड़ी है, अजीब है। तो क्या करते हैं, टोटल करंट जो है 27 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3, ये टोटल करंट है मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं अपोजिट रेजिस्टेंस। अपोजिट रेजिस्टेंस है 8 ओम डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस है ये 8 है ये 5 है, कितना आ गया 13 ओम। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा आंसर, उतना आपका I1 की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से I2 की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो I2 की वैल्यू आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, 27 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3, ये टोटल करंट हो गया। अब अपोजिट रेजिस्टेंस जो है वो 8 ओम है डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस है वो 13, सॉरी 8 ओम इसकी निकाल ली, अब 5 ओम की निकाल लेते हैं, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा ये I2 की वैल्यू है, इसको ऐसे लिख लीजिए, ये I2 की वैल्यू है और ये I1 की वैल्यू है। अपोजिट रेजिस्टेंस मैंने उल्टा ले लिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ये यहाँ तक आ गया, इसके बाद में अपने 5 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 13, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से I1 की वैल्यू आ जाएगी एम्पियर में, इसको आप सॉल्व कर लेंगे यहाँ से I2 की वैल्यू आ जाएगी आपके एम्पियर में। बेसिकली जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता था कि क्या जो है इंडक्टर का इफेक्ट पड़ता है, क्या जो है कैपेसिटर का इफेक्ट पड़ता है किसी भी सर्किट पे स्टडी स्टेट में अगर बात करते हैं। तो देखिए यहाँ इंडक्टर था तो करंट जो है 1.5 जा रही थी, यहाँ 3 जा रही है, यहाँ 6 जा रही है, और यहाँ कैपेसिटर था तो करंट 0 ही होगी, और यहाँ भी कुछ करंट जा रही है, यहाँ भी कुछ करंट जा रही है, तो इसका मतलब काफी इफेक्ट पड़ जाता है। अगर आपको इसके स्टडी स्टेट बिहेवियर की बात करेंगे तो आपको विशेष इन चीजों का ध्यान रखना है, कैपेसिटर और इंडक्टर में बिल्कुल आपको ध्यान रखे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे कि नोडल एनालिसिस जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको ये नोडल एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए नेटवर्क थ्योरी के लिए, ये अपने मेश एनालिसिस से भी ज्यादा यूज करते हैं इसको, बेसिकली अपने ज्यादातर इसी चीज को यूज करते हैं। सबसे पहले अपने इसके रूल देखेंगे कहाँ कहाँ ये अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से क्या प्रोसेस है इसको अप्लाई करने का, उसके बाद में अपने एक प्रॉब्लम के थ्रू इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें जो लगाएंगे अपने नोडल एनालिसिस में वो केसीएल और ओम्स लॉ फॉलो करेंगे, जबकि आप जब आपको मैंने पढ़ाया था मेश एनालिसिस वहां क्या था केवीएल प्लस ओम्स लॉ, ठीक है, यहाँ क्या लगाएंगे केसीएल। देखिए जब मैंने मेश एनालिसिस पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि मेश एनालिसिस टोटली वोल्टेज डिपेंडेंट है और ये जो नोडल एनालिसिस है वो टोटली करंट डिपेंडेंट है, मतलब नोडल एनालिसिस में करंट की बात होगी बोले इसका मतलब केसीएल की बात होगी, और जो मेश एनालिसिस उसमें केवीएल की बात होगी वोल्टेज की बात होगी। इसी तरीके से मैंने एक लिमिटेशन बताई थी कि जो मेश एनालिसिस है वो सिर्फ और सिर्फ अपने किसके लिए वैलिड था, प्लैनर नेटवर्क के लिए ही वैलिड था, जबकि अपना जो मेश यहाँ पे नोडल एनालिसिस है वो आपका प्लैनर नेटवर्क हो चाहे हो नॉन प्लैनर, दोनों ही तरह के नेटवर्क के लिए आपके लिए वैलिड है। तो नोडल एनालिसिस आप कहीं भी लगा सकते हैं, इसमें आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि प्लैनर है या नॉन प्लैनर है, ठीक है। ये आपका हो गया इसकी लिमिटेशन और इसके लगाना क्या है इसके अंदर। अब इसका प्रोसेस देखते हैं किसी भी नेटवर्क में अपने को किस तरीके से लगाना है। सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ नोड्स, अपने को नोड्स को टोटल नंबर ऑफ जो प्रिंसिपल नोड है वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं, कौन से नोड प्रिंसिपल नोड आपको आइडेंटिफाई करने हैं, ये मैंने आपको केसीएल के टाइम पे बता दिया था कि प्रिंसिपल नोड कौन से होते हैं, वो नोड जहां पे दो से ज्यादा एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं उसको बोलते हैं अपने प्रिंसिपल नोड, वो नोड अपने को यहाँ पे क्या करने हैं आइडेंटिफाई कर लेने हैं। इसके अलावा फिर आपको क्या करना है, असाइन द वोल्टेज ऑफ ईच नोड एंड टेकन एज ए रेफरेंस, क्या करना है कि हर एक नोड को आपको क्या करना है कि एक एक वोल्टेज अप्लाई कर दी है, उसके बाद में कुछ भी V1 वगैरह ले लेना, उसके बाद में किसी भी एक नोड को क्या लेना है रेफरेंस नोड ले लेना है, उस रेफरेंस नोड का जो वोल्टेज है वो शुड बी इक्वल टू ग्राउंड पोटेंशियल होना चाहिए, वो हमेशा ही आपका ग्राउंड पोटेंशियल के इक्वल, मतलब आपको जीरो पोटेंशियल लेके चलना है, एक रेफरेंस लेना है उसके रिस्पेक्ट में सबका वोल्टेज लिख लेना है। अगर आपको पता नहीं है तो V1 V2 लिख लीजिए, अगर आप निकाल सकते हैं तो उस टर्म में लिख लीजिए। क्या करना है इस केस में अपने को क्या करना है, असाइन द वोल्टेज एट ईच नोड और उसके बाद में रेफरेंस नोड, क्या करना है अपने को रेफरेंस लेना है और वो रेफरेंस इक्वल टू क्या होना चाहिए ग्राउंड पोटेंशियल, ठीक है, इतनी चीजें आपको। फिर उसके बाद में क्या करना है, डेवलप द केवीएल इक्वेशन फॉर ईच ईच नोड, क्या करना है
हर एक नोड के लिए आपको, जैसे ये नोड है आपके किसी भी जंक्शन के लिए, आप जिस तरीके से केवीएल इक्वेशन लिखते थे इस तरीके से, उसी तरह आपको हर एक प्रिंसिपल नोड के लिए क्या लिखनी है, केसीएल इक्वेशन लिखनी है, केसीएल इक्वेशन लिखनी है हर एक नोड के लिए। उसके बाद में उन केसीएल इक्वेशन को क्या करना है लास्ट स्टेप में, बाय सॉल्विंग दी केवीसीएल इक्वेशन, केसीएल इक्वेशन को सॉल्व करके अपने को हर एक नोड की जो वोल्टेज है उस वोल्टेज की वैल्यू को अपने को फाइंड आउट करना है। वोल्टेज के भी आप पे आप करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर उसके बाद पावर फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आप नेटवर्क को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था अपना प्रोसेस किस तरीके से आप नेटवर्क को सॉल्व करना है नोडल एनालिसिस में, ठीक है। उसके बाद में मेरे को अगर इसमें भी एक इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ इक्वेशन अगर मेरे को निकालनी पड़ जाए, तो नंबर ऑफ इक्वेशन अगर मेरे को निकालनी पड़ जाए तो उसका फॉर्मूला होता है एन माइनस वन। एन क्या है यहाँ पे, एन है जो मेरे प्रिंसिपल नोड है, प्रिंसिपल नोड है। इस तरह से अपने नंबर ऑफ इक्वेशन निकाल सकते हैं इस नोडल एनालिसिस के लिए, अपने को कितनी नंबर ऑफ इक्वेशन। चलिए अब हम क्वेश्चन के थ्रू नोडल एनालिसिस को समझते हैं। अच्छा एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी मैं थ्योरी टाइप कुछ स्टार्ट करता हूँ, तो जब भी मैं पॉइंट्स जो प्रोसेस के लिखे थे उनको क्या करना है कि आपको अपने नोट्स में मेंशन कर लेना है अच्छे तरीके से। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और सारे के सारे पॉइंट्स आपको लिख लेने हैं एक बार, ठीक है। अगर मैं बोलूं चाहे नहीं बोलूं आपको वो नोट कर लेना है अच्छे से, इससे क्या होगा कि आपका बिल्कुल प्रोसेस क्लियर रहेगा, ठीक है। अच्छा अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। सबसे पहले मैं स्टेप्स को वापिस से रिपीट करूंगा और साथ साथ में अपने इस डायग्राम में देखते जाएंगे। इस तरीके से एक डायग्राम दिया गया है, अपने इसको क्या करते हैं करंट या वोल्टेज या पूरा फिगर अपने सोल्व आउट करते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या वोल्टेज है देखने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि नोडल एनालिसिस लगाने के लिए आपको हर एक नोड प्रिंसिपल नोड आपको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट पॉइंट यही था कि प्रिंसिपल नोड आइडेंटिफाई करने हैं। तो मैं प्रिंसिपल नोड कौन से होते हैं जहां एक दो से ज्यादा कंपोनेंट लगे हों, तो ये एक नोड हो गया, ये एक नोड हो गया, ये एन हो गया, ये एन हो गया, एन वन मान लो चाहे एन टू मान लो, ठीक है। इस तरीके से ये नोड अपने दो प्रिंसिपल नोड है, दो प्रिंसिपल नोड है। इसके अलावा अगर मैं इसको बोलूं ये तो सेम ही नोड है, ये भी सेम ही नोड है, तो इसका मतलब ये दो ही अपने पास प्रिंसिपल नोड है। उसके बाद में अपने को क्या करना था कि हर एक को आपको कुछ ना कुछ पोटेंशियल देना है और वन ऑफ देम को अपने क्या रखना है कि टेकन एज रेफरेंस, तो रेफरेंस के ले लेना है किसी भी एक को। आप किसी भी एक को ले लेते हैं, जैसे मैं इसको ले लेता हूँ, इसको रेफरेंस ले लेता हूँ, ग्राउंड पोटेंशियल पे मान लेता हूँ, इसको जीरो मान लेता हूँ, इसको भी जीरो रहेगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट है, इसको भी जीरो रहेगा, ठीक है। ये मैंने रेफरेंस ले लिया। अब रेफरेंस लेने के बाद में आपको हर एक नोड को क्योंकि वोल्टेज देना है, तो इसको अपने को पता नहीं क्या वोल्टेज है, V1 दे देते हैं, V1। उसके बाद में हर एक नोड के लिए आपको केसीएल इक्वेशन लिखना है। केसीएल इक्वेशन लिखते हैं हर एक नोड के लिए। केसीएल इक्वेशन किस तरीके से लिखना है आप देखिए ध्यान से। जो भी अपना नोड पोटेंशियल है उसको अपने हमेशा ही हायर पोटेंशियल पे मान के चलेंगे आप। इस ये एक रूल है कि जो भी अपना नोड का पोटेंशियल है उसको आप हमेशा ही हायर पोटेंशियल पे मान के चलेंगे और सारी की सारी करंट उससे क्या करेगी बाहर निकलती हुई आएगी, तभी तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा। तो इसमें क्या करना है कि आपको हायर पोटेंशियल पे मानना है, तो इसमें ये वाली करंट लिखना हो तो V1 मेरा हायर पोटेंशियल है माइनस 10 वोल्ट डिवाइड बाय कितना रेजिस्टेंस है 2 ओम, प्लस हायर पोटेंशियल मेरा V1 फिर से ले लेता हूं माइनस कितना लोअर पोटेंशियल है 3 वोल्ट डिवाइड बाय 1 प्लस। उसके बाद में आपका थर्ड की, अब देखिए ये करंट मैंने इसमें लिख दी फर्स्ट वाली, ये वाली करंट इसको I1 बोल देता हूं, जैसे समझने के लिए बोल रहा हूं I1 I2 I3 बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये मैंने करंट कौन सी लिखी है, I1 करंट भी लिखी है, जिसमें से मैंने V1 को हायर पोटेंशियल माना है और इसके अलावा सबको अपने लोअर पोटेंशियल पे माना है। तो ये लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल माइनस किया और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करके I1 की वैल्यू लिख दी। फिर मैंने किसकी वैल्यू लिखी, I3 की वैल्यू लिख दी यहाँ पे। अब मैं I2 की वैल्यू लिखना चाहता हूँ। I2 की वैल्यू मेरे को पहले से फाइंड आउट है कितनी है, 2 एम्पियर है, लेकिन 2 एम्पियर अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन I2 मैंने इस डायरेक्शन में मान रखी है, तो माइनस का 2 लिखना चाहूंगा यहाँ पे, इक्वल टू 0।
अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एम्पियर को यहाँ गायब कर देते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा उससे। इसको अगर मैं 2 एलसीएम ले लेता हूँ तो वी वन माइनस 10 प्लस 2 वी वन माइनस 6 माइनस 4 इक्वल टू 0, और उसके बाद में इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 3 वी वन इक्वल टू 6 4 20 20, और यहाँ से क्या कर देते हैं सॉल्व कर लेते हैं अगर, तो वी वन की वैल्यू आ गई 20 डिवाइड बाई 3 वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब वी वन का पोटेंशियल है 20 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब मेरे को आई वन की वैल्यू पता करनी है तो आई वन की वैल्यू यहाँ से इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, वी वन माइनस 10 डिवाइड बाई 2, तो वी वन कितना है, वी वन जो है 20 डिवाइड बाई 3 था, माइनस 10 डिवाइड बाई 2 था, और ये कितना हो गया 30 माइनस 10 डिवाइड बाई 6, मतलब इसको ऐसे ही पढ़ा देते हैं। ठीक है, 30 20 10, ठीक है, 10 डिवाइड बाई 2, ठीक है, इसका मतलब आपकी ये वैल्यू सही है। अब अपन इसको क्रॉस चेक कर रहे हैं, हर एक चीज निकालेंगे अपनी यहाँ पे। आई टू की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ पहले, आई टू की वैल्यू जो है मेरे पास पहले से ही बोल रहा हूँ कि -2 एम्पियर है। ठीक है, उसके बाद में आई थ्री की वैल्यू बोल लेता हूँ मैं, आई थ्री की वैल्यू जो है, आई थ्री की वैल्यू है वो मैं ले लेता हूँ कितनी, वी वन माइनस 3 डिवाइड बाई कितना था, 1 था, तो वी वन की वैल्यू जो है 20 बाई 3 आ गई, -3 डिवाइड बाई 1, इसको ले लेता हूँ 9 और 11 बाई 3। ठीक है, 11 बाई 3 आ गई 9, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे, अब ये इतने एम्पियर आ गई, अब क्या करेंगे, यहाँ से अपने देख सकते हैं किसी भी नोड के लिए अपने कैसे लगाते हैं, तो आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इक्वल टू 0 होना चाहिए, अपने सेटिस्फाइड करा के देख रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं, आई वन जो है माइनस 10 बाई 6 प्लस आई टू की वैल्यू है -2 प्लस आई थ्री की वैल्यू है 11 बाई 3। ठीक है, अब इसको सेटिस्फाई करते हैं, 6 अगर एलसीएम लेता हूँ तो -12 प्लस 22, अच्छा ये कितना हो गया आपके पास 3 2 2 2 22 22 10, और ये कितना हो गया 6 12, तो ये हो गया अपने पास कितना 10 22 माइनस का प्लस का 22 डिवाइड बाय कितना 6 है, इसका मतलब ये आंसर कितना आ गया 0, तो इसका मतलब ये केसीएल बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रही है, केसीएल बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रही है, इसका मतलब अपने जो किया है वो बिल्कुल सही है, कोई भी इसमें गलती नहीं है। इसके अलावा अगर अपने आप देखिए आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हर एक चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, पावर फाइंड आउट करनी है 10 वोल्टेज की अगर मेरे को, तो V मल्टीप्लाई बाई आई, वी है 10 और आई की जो वैल्यू है, आई की जो वैल्यू है आई वन वैल्यू निकाल चुका हूँ 10 डिवाइड बाई 6। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं 100 डिवाइड बाई 6, अच्छा ये डिलीवरिंग है या ऑब्जर्विंग पावर है, तो आई वन की वैल्यू क्या मान रखी है मैंने, देखिए आई वन की वैल्यू जो माइनस में है और माइनस में है, ठीक है, जो आई वन की वैल्यू माइनस में आई थी ना, माइनस में लिखनी भूल गया था मैं, तो माइनस में है। अब आई वन की वैल्यू जो इसके अंदर एंटर हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस के अंदर एंटर है, तो मैं क्या मान लूंगा ऑब्जर्विंग पावर है, अगर -100/6 ऑब्जर्विंग पावर है तो 100/6 क्या होगा डिलीवरिंग पावर, समझ में आ रही बात आपको, देखिए साइन कन्वेंशन जो आपने ले लिया वो अपने आप एडजस्ट होते रहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से रेजिस्टेंस की देख लेता हूं मैं, रेजिस्टेंस में देखिए आप रेजिस्टेंस की जो पावर ऑब्जर्विंग निकालेंगे, देखिए रेजिस्टेंस हमेशा ऑब्जर्विंग पावर का होता है, तो 2 ओम की मैं यहां से पावर निकाल सकता हूं, कितनी हो जाएगी आई स्क्वायर आर, तो आई की देखिए वैल्यू, आई की वैल्यू है -10/6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू 2 है, देखिए 100 डिवाइड बाई 6 थोड़ी 36 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको कर लेंगे तो 100 डिवाइड बाई कितना 18, इसको लिख सकते हैं अपने 50 डिवाइड बाई 9, ठीक है, वोट वोट लिखना है आपको, यहाँ भी वोट लिख लीजिएगा, उसी तरह से अपने इसकी भी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी भी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसकी पावर की बात कर लेते हैं, इसकी पावर की अगर मेरे को बात करनी पड़ जाए, इसकी पावर की बात कर लेता हूँ मैं किस तरीके से करेंगे, इसकी पावर की बात अगर मेरे को करनी पड़ जाए तो इसकी पावर के लिए मैं क्या करूंगा कि 2, देखिए 2 है आपके पास,
या तो आप आई क्यू को मान लीजिए या फिर आई टू एम्पेयर को मान लीजिए। सपोज कीजिए मैं टू एम्पेयर को मानता हूँ, टू एम्पेयर को अगर इस तरीके से मानूंगा तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है, टू एम्पेयर को मैं मान रहा हूँ। देखिए यहाँ प्लस और यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा, फिर माइनस टू कैलकुलेशन में लिखना पड़ेगा, वो भी कर लेंगे अपने, ठीक है, वो एक साइन कन्वेंशन है, आपको जिस किसी को भी मान लीजिए। तो वोल्टेज की वैल्यू जो 5 ओम के अक्रॉस आ जाएगी वो आ जाएगी V मल्टीप्लाई सॉरी आई आर, आई की वैल्यू है 2 एम्पियर मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू है 5, तो इसका मतलब 10 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, 10 वोल्ट का यहाँ पे ड्रॉप होगा। उसके बाद में अब अगर अपने को इसके अक्रॉस इसकी वैल्यू ले लेता हूँ प्लस इसकी माइनस, तो वी एस की वैल्यू, अगर वी एस की वैल्यू अगर अपने को फाइंड आउट करनी है तो वी एस की वैल्यू क्या करूंगा, यहाँ वैल्यू है उससे यहाँ जाने पे माइनस से प्लस जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, तो राइज कर देते हैं अपने। अगर वी एस की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करूंगा तो मैं 20/3 प्लस 10 वोल्ट करना पड़ेगा मेरे को, कितना हो जाएगा ये 50/3 हो जाएगा। अगर मैं पावर कैलकुलेट करूंगा किसकी, 2 एम्पियर सोर्स की, तो उसके मतलब मेरे पे वी आई, वी कितना है 50/3 और आई की वैल्यू जो मैंने ले रखी है 2 एम्पियर, कितना आ गया 100/6, ये पावर होगी। और पावर डिलीवरिंग है या ऑब्जर्विंग है, देखिए प्लस से करंट बाहर निकल रही है तो डिलीवरिंग पावर है, तो इसका मतलब ये भी डिलीवर कर रहा है ये भी डिलीवर कर रहा है। एक्चुअल में अगर पॉजिटिव वैल्यू की बात करें तो ये भी डिलीवर कर रहा है ये भी डिलीवर कर रहा है, ये वोट में है पावर, ठीक है। अगर आप माइनस टू एम्पियर अगर इस तरीके से आई टू से सोल्व करना चाहे तब भी आप कर सकते हैं, देखिए कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है इस चीज में। आई टू लेंगे तो माइनस यहाँ आएगा प्लस यहाँ आएगा, ठीक है, प्लस माइनस इस तरीके से आएगा, फिर आई टू ले लीजिए आप, अब कितना आ जाएगा। वोल्टेज अगर की बात करूं तो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड तो देखिए सेम ही रहेगा, वी मल्टीप्लाई बाय आई। अब देखिए आप वी सॉरी वी की वैल्यू अगर अपने को निकालनी है तो आई मल्टीप्लाई बाय आर निकलूंगा, तो और आई की वैल्यू जो अपने पास जहां पे है यहाँ पे जो आई टू ले रहा हूं मैं, क्या ले रहा हूँ, आई टू ले रहा हूँ, देखो पहले मैंने 2 एम्पियर ले ली थी, अब आई टू की बात कर रहा हूँ, तो आई टू की वैल्यू है माइनस 2 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू है 5, तो इसका मतलब V की वैल्यू इस केस में आएगी मेरी माइनस 10 वोल्ट, माइनस 10 वोल्ट आएगी, यहाँ प्लस है यहाँ वो माइनस है, इसका मतलब पोटेंशियल क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, इस केस में तो डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज कर दीजिए, कितना हो जाएगा। अगर Vs की वैल्यू मेरे को फिर से फाइंड आउट करनी पड़ जाए तो मेरा ऊपर पोटेंशियल था 20/3 माइनस, डिक्रीज हुआ, देखिए प्लस से माइनस आ रहा हूँ डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ, माइनस का 10, देखिए माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा 50/3, देखिए पोटेंशियल अगर सेम आ गया तो उसके बाद पावर तो सेम आ ही जानी है। तो ये एक साइन कन्वेंशन है, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, चाहे आप आई टू मान लीजिए आई टू की वैल्यू क्योंकि माइनस 2 एम्पियर है, या फिर आप 2 एम्पियर प्लस का मान के इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। तो आई होप आपको ये गाइस आई होप यू आर एंजॉयड दिस वीडियो। आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साथ ही आप ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस तरह से और आगे अच्छे वीडियो पाना चाहते हैं इसी तरीके से। और इसके साथ ही अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ये शेयर ज़रूर कीजिएगा, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो रियल में जेई एई या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो रियल में पढ़ने वाले लोग हैं उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर होगी तो ये बेनिफिशियल होगा उनके लिए भी और मेरे को भी अच्छा लगा कि अच्छा लगेगा कि जो लोग पढ़ने वाले हैं वो लोग वीडियो के व्यू बढ़ा रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उससे अच्छा नहीं हो सकता कुछ भी।